किसान हैं, भाई हैं हमारे, और इनको दर्द है, तकलीफ रहती है गरीब के बारे में। रमेश किशोर जी, गोस्वामी एस के पुरी मजे से कोई जुड़ रहे हो, पैसे की भूख में जुड़ रहे हो, ऐसा वो नहीं है। योगदान रहा और हमारे इस मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भी। ये हमारे आई टी सेल के चेयरमैन हैं पीयूष। पैसे को संभालना इसका काम है, पैसे लाना इसका काम है। तो ये सीए है, वर्ल्ड क्लास इसकी कंपनी है। हमारे बीच में मार्केट राय जी एजुकेशन का कंसेप्ट बताया और इन्होंने इसको खुद डिजाइन किया है। और वहां पे जो तो इनके लिए ताली बजा दे, ये प्रेजेंटेशन करा दिखा दे, इसको तो लाइट को कम कर दे, भैया लाइट को जरा कम कर दे। तो रोटी आंदोलन का आज ये लॉन्चिंग करनी पड़ी। ये रोटी मूवमेंट जो है उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी, ये उनकी आवाज़ बुलाने के लिए रोटी मूवमेंट को, रोटी आंदोलन को हमको शुरू करना पड़ा है जी। संक्षेप तो बताइए क्या क्या, किस तरीके से इसको करेंगे आप आगे? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो हालत हो गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एडजॉइनिंग स्टेट से यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनका जो शोषण है और उनकी जो जीवन लीला है। अब आज जहाँ जो 610 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो 610 झुग्गी क्लस्टर के अंदर उनकी जो नारकीय जिंदगी बन गई है, जो भी सरकार आती है एक वायदा करती है जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान आपको दे देंगे। अब एक एक मकान में, एक एक झुग्गी के अंदर चार चार परिवार रह रहे हैं। अब उसमें ये कहते साहब एक कमरे का आपको मकान देंगे, जो लोग दिल्ली में 2015 से आए हैं खाली उनको देंगे, जबकि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे। जब आप 2020 में दिल्ली में वोट ले सकते हैं तो 2015 का आपने सीमा क्यों रखी है? और वो जो झुग्गी क्लस्टर है, मान लीजिए 20 एकड़ में है या 25 एकड़ में वो लोग बसे हैं, तो आप उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक कमरे का मकान दे के और उनको फारिग करना चाहते हैं, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो माफिया को बेचना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में भला चाहते हैं उन गरीबों का, तो जितनी वो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पे खाली झुग्गियों के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब ये मजदूर लोग हैं उनके लिए मकान बनाइए आप पूरा। उसको स्कूल है, पार्क है, उनके जीने की व्यवस्था है, जो मास्टर प्लान में प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए। क्योंकि जहाँ एक क्लस्टर में वो काम कर रहे हैं तो आसपास में वो घरों में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, अब वहाँ से उठा के आप ले कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये खासतौर से दिल्ली में 610 क्लस्टर हैं जिसमें 410 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पे हैं और 200 के करीब स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस पर काम करती हैं लेकिन देती कुछ नहीं है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, खासतौर से हमारे गाँव में रहने वाले लोग, उन सब गांव 360 से ज़्यादा गांव हैं, उसमें रहने वाले लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। गांव के लोगों को हम अब मरने नहीं देंगे, उसके लिए भी हम इस जो प्रेजेंट सरकार है जो इसकी गांव के लोगों के खिलाफ की जो नीति है उस पर काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनके हक को दिलाएंगे। और अब ये सरकार उस पर काम नहीं करेगी तो दिक्कत उठानी पड़ेगी। दूसरा सेक्टर है इनका जो हमारे बच्चे हैं, कोरोना के टाइम में जो मैंने देखा है, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, चाहे नर्सिस हैं या पैरामेडिकल दूसरा स्टाफ है, उनका शोषण बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ रिक्रूटमेंट सारी माफिया को दे दी, इन्होंने अपने लोगों को दे दिया है। और वो रिक्रूटमेंट जो है उसमें ना कोई सर्विस कंडीशन है, ना कोई लेबर लॉ होता है, ना कुछ होता है, वो सारी की सारी स्थिति जो है, सारी की सारी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ जी। यानी एक नर्स है, नर्स उसको वो इन्फेक्टेड हो गई है कोरोना से,
उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया गया, कमरे में डाल दिया। अंबेडकर हॉस्पिटल के कई लोग थे वहाँ, हमारी एक यूनियन है उसका प्रेसिडेंट था गौतम, वो कोरोना और उसके साथ इन्फेक्टेड हो गया, एक कमरे में डाल दिया, किसी ने पूछा नहीं, अपने आप ही वो घर के लोग खाना डाल देते थे। और ये मीडिया के जरिए इतना आतंक मचा दिया दिल्ली के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी ऐड दे करके, एक दिन भी दिल्ली का मुख्यमंत्री कोरोना के काल में किसी हॉस्पिटल में गया क्या? उसका कोई मंत्री गया क्या? और जो लोग मर गए उनको क्यों नहीं 1-1 करोड़ रुपए दिए? वो कोरोना वॉरियर नहीं है क्या? जो एक होमगार्ड का बच्चा है या वो सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर एक नाम दे दिया इन्होंने, वो डेली वेज पे बच्चे खड़े करें, मेरी बच्चियाँ और बच्चे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, बस में चढ़ा दिए, हॉस्पिटल में कर दिए, खाने पे बिठा दिए हैं, क्या कर रहे हो आप? तो ये जो दिल्ली में अनार्की हो गई है उन सब को रोकने के लिए ये रोटी आंदोलन का जन्म आज हो गया। सवाल ये है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें आपको मिलेंगी, अलग अलग पार्टियों की मिलेंगी, वहाँ पे अपने चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे? लड़ेंगे, ये नॉन पॉलिटिकल है, जो भी आगे आएगा उससे लड़ेंगे। अरे भाई 86% लोग हैं इस देश में जो लेने वाले हैं, 14% लोग हैं देने वाले हैं, जो देने वाले वो मालिक हैं और जो लेने वाले नौकर हैं। तो ये देश तो नौकर का है जिसमें आप सब लोग आते हैं, लेकिन वो बांट के जाति में धर्म में इसमें उसमें बांट के और सारा का सारा हमारी जेब काट ली पेट काट लिया, अब गर्दन पर खड़ा होना चाहते हैं। एक सर और सवाल कि कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका इस आंदोलन का, क्योंकि पहले भी रोटी बैंक जैसे काफ़ी NGOs वर्क कर रहे हैं रोटी बैंक के लिए। देखिए रोटी बैंक नहीं है, ये रोटी बैंक नहीं है, नहीं वही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाँ कॉन्सेप्ट, अरे आपको समझ में, हमने एक नोट भी आपको दिया, आपको उसको देखना चाहिए वो चीज़ें। सुनिए सुनिए जेंटलमैन सुनिए, ये रिसोर्स ये हमारा है, हमने एक कस्टोडियन बिठाया चीफ मिनिस्टर बना के कि तुम चीफ मिनिस्टर हो, वो दिल्ली का राजा है, उसका काम है दिल्ली की इकोनॉमी संभालना, भूख नहीं होने देना, अपने लोगों का ध्यान रखना, रोजगार को पैदा करना, ये उनका काम है। जब वो अपने काम को भूल ही गए हैं, उनका जो काम जो कर रहे हैं आज, कभी यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, अरे भाई 168 रुपए में आज गरीब आदमी काम कर रहा है, और एक घर के अंदर अगर 4 मोटरसाइकिल हैं 2 4 व्हीलर हैं, एक आदमी से 5,000-6,000 रुपए वसूल कर रहा है पेट्रोल में डीजल में पार्किंग में। 200 रुपए की आप बिजली और 300 रुपए का पानी देके हमको चीट करना चाहते हो, तो हम एजुकेट करेंगे लोगों को। और ये जो इंडस्ट्री को बाहर निकालना चाहता है, हम इंडस्ट्री को भी बचाएंगे और गरीब मजदूर को भी बचाएंगे, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ये कहूँगा कि ये आंदोलन बड़े समय से, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य जो है विश्व का, उसमें दूसरा है जीरो हंगर, यानी कोई आदमी भूखा न रहे पूरे विश्व में, तो ऐसे समय में पंडित सुखदेव शर्मा जी ने ये आंदोलन भारत में शुरू किया है। हर आदमी को हक है उसको कम से कम भोजन मिले, खाना मिले, रोटी उन्होंने शब्द दिया क्योंकि रोटी बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन रोटी के साथ इन्होंने ये भी जोड़ा है कि नहीं सबको रोजगार भी मिले, काम भी मिले। आज सबसे बड़ा चैलेंज भारत का है युवाओं के साथ, युवा वर्ग अगर क्षुब्ध होगा तो अरब स्प्रिंग का नाम आपने सुना होगा कि जिसमें अल्जीरिया से टूनिसिया से लेकर इजिप्ट तक सरकारें बदल गई, जहाँ की यूथ ने बदला, किसी नेता ने नहीं बदला, वैसी स्थिति कहीं ना आने पाए जहाँ की भारत में 60 करोड़ लोग युवा हैं, 600 मिलियन, वैसी बड़ी शक्ति को अगर प्रॉपर उपयोग और उनको संतुष्ट न किया जाए तो बहुत बड़ा दुख होगा। मानवता यही है कि हम भी भूखा न रहें, मेरा साधु न भूखा जाए, ये हमारी फिलॉसफी रही है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं मेरा साधु न भूखा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग हमारे यहाँ उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, जो कि शर्मा जी ने अपने लिखा कि दो आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ, वैसे फॉर्चुनेट इनफ लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है। हमारा क्या दोष है अगर किसी गरीब घर में जन्म लिए? परेश्वरनाथ रेणु बड़े विख्यात लेखक हुए, उन्होंने रेणु सब लिखा क्योंकि ये तो घर में कर्ज था। वैसे हमने तो चुना नहीं कि हमारे यहाँ भाने के यहाँ घर हमारा जन्म होगा या किसी गाँव के छोटे परिवार में होगा, तो हमारा हक है जीवन जीने का,
हमारा बचपन ना छीने, हमारी जवानी ना बर्बाद हो, अब बुढ़ापा में संबल मिल सके, उसके रोटी बहुत बड़ा बेस है। इसलिए शर्मा जी ने आंदोलन चलाया है और सब लोग जुड़ करके इसको हम लोग देश नहीं बल्कि आज हम लोग एग्री किए पूरे विश्वव्यापी लेवल पर मानवता के आधार पर सबको भोजन मिले, सबको शेल्टर मिले, नहीं तो विश्व शांति नहीं हो सकती है। शांति के एक मूल मंत्र हैं कि जब तक कि रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा, जिसमें रोटी पहला बेसिक आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, तो अगर विश्व में शांति चाहते हैं, विश्व में उन्नति चाहते हैं, तो रोटी सबको मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। सर एक सवाल ये कि बात विश्व की आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार की बात हो रही है, जबकि भारत की बात होनी चाहिए। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर वाकई में ही दिक्कत है, रोटी की प्रॉब्लम है, तो केवल दिल्ली को ही क्यों टारगेट किया था ना सर? नहीं, ये दिल्ली का उदाहरण दिया गया, दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल है ना सर, कैपिटल है दिल्ली का, दिल्ली हर्ट है, भारत हम दिल्ली रहते हैं, लेकिन बात हो रही है पूरे मानव समुदाय की, किसी ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं बंधा हुआ है, कोई विश्व की बात है। कोई शर्मा जी ने जवाब दिया आपको बहुत अच्छा कि ये ना किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड है, कहीं भी कोई भी आदमी कहीं किसी पार्टी का राज हो, चाहे ममता दीदी का राज हो या कर्नाटका में कि में हो या केरल में कांग्रेस हो, कहीं भी कोई भूखा आदमी हो उसको रोटी मिलनी चाहिए, ये इनका संकल्प है, और उस संकल्प के साथ हम लोग आए हैं, राजनीतिक पार्टी के बल विशेष पर नहीं। ठीक है, और ये लड़ाई भी नॉन पॉलिटिकल होगी।